Okay, so very good morning to all of you students. So today we will discuss about the Punjab counseling session. So counseling जब वो हो चुकी है इस बार के लिए और काफी students की मुझे call आ रही थी कि sir GMCX 32 के बाद अब पंजाब की काउंसलिंग की जो वो वीडियो अपलोड कीजिए. सो आज मैं पूरे कंप्लीट एनालिसिस के साथ जो है वो अकॉर्डिंग टू द जो भी लिस्ट अपलोड प्रोविजनली जो लिस्ट अपलोड हुई है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के लिए. सो पंजाब के स्टूडेंट्स में और चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स में काफ़ी लिस्ट में वेरिएशन देखने को मिली है कि कुछ बच्चों की प्रायोरिटीज़ जो है वो काफ़ी डिफरेंट है. पंजाब के बच्चों की और चंडीगढ़ के बच्चों की प्रायोरिटीज़ भी डिफरेंट है. सो मेरे को काफ़ी ह्यूज चेंज नज़र आया इस जो लिस्ट अपलोड हुई है जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट स्टार्ट द काउंसलिंग सेशन एनालिसिस. सो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट श्योर टू एवरी बॉडी डेट आई एम नॉट एनी टाइप ऑफ द कंसल्टेंट. मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ. जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ और जब वो कुछ स्टूडेंट जो मेरे साथ एसोसिएटेड है एज ए जो काफ़ी बच्चे क्यूरियस है मुझे कॉल्स आ रही है कि सर जो वो हम बहुत टेंशन में हैं हमें बताइए कि क्या हमारा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है तो और क्या हमारा सेकंड राउंड में मेरा नाम आएगा या फिर नहीं आएगा. सो आज हम कंप्लीट काफ़ी थोड़ी सी मेहनत लगती है पूरी काउंसलिंग चेक करनी पड़ती है वेबसाइट चेक करनी पड़ती है जो लिस्ट दोनों की ऑल इंडिया कोटा की फर्स्ट राउंड की जो लिस्ट है और साथ में पंजाब की जो लिस्ट है उन दोनों को ही जो है वो कोलैबोरेट करके और डिफ्रेंशिएट करके जो वो एनालिसिस निकालना पड़ता है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इस बार जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए कट ऑफ है वो उसमें क्या फर्स्ट राउंड में क्या और सेकंड राउंड में क्या पॉसिबिलिटी है कि कितने स्कोर तक जो वो कट ऑफ जो वो नीचे आ सकती है. ओके सो नो इशू. सो हियर इज द एनालिसिस आई हैव डन इट. सो स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग के लिए. जैसे कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग के बाद जो वो रिजल्ट आ चुका है स्क्रूटनी हो चुकी है एंड नाउ स्टूडेंट हैव टू सबमिट देयर फॉर्म्स एट द कॉलेजेस क्योंकि सीट उनको अलॉट हो चुकी है. स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग के लिए कि जब बच्चों ने अप्लाई किया जोन से बच्चों ने भी अप्लाई किया पंजाब के जितने भी बच्चे जिन्होंने जो भी नीट एस्पायरेंट थे उन्होंने मेडिकल का एमबीबीएस का नीट का एग्ज़ाम दिया. एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आया. रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग में जो उन्होंने क्या जो वो देखा है फर्स्टली काउंसलिंग में क्या हुआ. फर्स्ट पंजाब की बात करें तो देर आर टोटल 4 कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस. पंजाब के अंदर 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस है जिसमें से फर्स्ट एक आ गया आपका रजिंद्रा मेडिकल कॉलेज पटियाला. सेकंड इज द गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट. थर्ड वन इज गुरु नानक मेडिकल कॉलेज अमृतसर एंड द फोर्थ वन इज द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मोहाली. फाइन. सो ये 4 कॉलेजेस हैं 1, 2, 3, 4 ये जो जितने भी कॉलेजेस हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड द फोर्थ ये 4 कॉलेजेस के अंदर कट ऑफ क्या रही है तो वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो सबसे पहले लाइक रैंक 4 4 नंबर रैंक था ऑल ओवर इंडिया का 4 नंबर रैंक था. पहला स्टूडेंट 715 स्कोर. इस बच्चे ने भी जो है वो अपनी सीट जो है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके ही जो वो काउंसलिंग के थ्रू भरी है. स्टेट कोटा में इसने 715 नंबर पे पटियाला फिल किया है. सो 715 नंबर जो कि जिसका 4 रैंक था उस बच्चे ने जो वो पटियाला में फिल किया है और करते करते काफ़ी जितने भी जनरल कैटेगरी के कुछ बच्चे थे उनमें लास्ट पटियाला में जो सीट काउंसलिंग जो फॉल किया दैट इज 643. ठीक है. साथ साथ में ये मैं आपको बताता जाऊंगा ठीक है कि इसमें जो वो काउंसलिंग में नेक्स्ट कट ऑफ क्या रह सकती है. ठीक है. सो पहले एक बार जो हम डिस्कस कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी. फाइन. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो वो रैंक डाउन आया है जैसे कि 643 जो जनरल कैटेगरी वालों बच्चों के लिए जिनके पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 604 का जो वो लास्ट सीट रही है. फाइन. नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इज फॉर द बीसी कैटेगरी. बीसी कैटेगरी में जो वो स्कोर रहा है इस बार का 598. फर्स्ट काउंसलिंग में जो बीसी कैटेगरी की लास्ट सीट जो वो काउंट हुई है दैट इज ऑन द स्कोर 598 स्कोर. फाइन. नेक्स्ट इज द
एससी कैटेगरी में जो इस साल की जो वो जितना मेडिकल कॉलेज में सीट फॉलो हुई है दैट इज 486. नेक्स्ट इज द फिजिकल हैंडीकैप में जो एक सीट होती है इसकी जो जिसमें 125 नंबर थे बच्चे के एंड ही गॉट द सीट फाइन. नेक्स्ट इज बॉर्डर एरिया की जो वो एक सीट होती है यहाँ पे जो वो 625 मार्क्स पे जो वो एक ही सीट थी तो वो यानी कि वो कैटेगरी जनरल कैटेगरी का भी था और साथ में उसके पास जब वो ये बॉर्डर एरिया का सर्टिफिकेट था जिसके बिहार पे उसको 625 पे सीट मिल चुकी है. नेक्स्ट इज द रूरल एरिया में 543 पे गई है, थोड़ी डाउन आई है इस बार में. फाइन, सो रूरल एरिया की कट ऑफ जब वो डाउन आई है, फायदा हुआ है बच्चों को. लास्ट सीट जो फ्रीडम फाइटर का भी कोटा अच्छा कोटा है, इसमें भी जो वो 355 पे बच्चे को स्कोर पे जो वो सीट मिल चुकी है जिंद्रा मेडिकल कॉलेज में. कहना ये टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया जो वो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट टेररिस्ट फैक्टर में आते हैं और देख उनकी जो वो उनको जो सीट मिली है 567 के ऊपर, डिफेंस की सीट इसमें कोई नहीं थी. फाइन, ओके फाइन. सो सेकेंड वन इज द फरीदकोट, सेकेंड कॉलेज आया फरीदकोट. फरीदकोट में 672 स्टूडेंट ने 672 स्कोर वाले स्टूडेंट ने जब वो पार्टिसिपेट किया, पहली सीट जो हिट की है वो 672 पे गई है और लास्ट सीट जो गई है दैट इज 618 के ऊपर जो वो लास्ट सीट गई है. आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, सो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 570 स्कोर के ऊपर जो वो लास्ट सीट गई थी. बीसी कैटेगरी की बात करोगे तो बीसी कैटेगरी में 560 पे गई है. नेक्स्ट इज द एससी कैटेगरी में 425 नंबर पे सीट गई है. कॉलेज कौन सा? फरीदकोट. फाइन, फिजिकल हैंडीकैप की कोई सीट नहीं थी, बॉर्डर एरिया की कोई सीट नहीं थी, रूरल एरिया की सीट थी जिसमें लास्ट सीट जो गई है वो 483 पे गई है. जिसके लास्ट 483 के बाद रूरल एरिया में जिनके पास सर्टिफिकेट था उनको सीट नहीं मिली है. नेक्स्ट इज द फ्रीडम फाइटर, 232 के ऊपर जब वो मिली है, 232 के बाद जब वो टेररिस्ट फैक्टर जो स्टूडेंट है दे गॉट द सीट ऑन 510 स्कोर एंड द डिफेंस में एक सीट अमरीश जो फरीदकोट में है 591 पे सीट बच्चे को मिली है यहाँ पे लास्ट. क्लियर है? सो ये था फरीदकोट का कॉलेज, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के साथ ही है कॉलेज है. थर्ड वन कॉलेज इज द अमृतसर कॉलेज भी काफ़ी बच्चों की प्रेफरेंस रहती है, जैसे कि पटियाला के बाद जो बच्चों की जो प्रेफरेंस होती है वो अमृतसर ही होती है. सो 690 पे गया था स्टार्ट, पहला स्टूडेंट था उसने 690 पे जो वो वाले बच्चे ने सीट जो वो फिल की. उसके बाद लास्ट सीट जनरल कैटेगरी की जो खत्म हो गई जनरल कैटेगरी के लिए 610 नंबर पे 610 के ऊपर सीट जो वो फिनिश हो गई थी. नेक्स्ट जो वो 575 EWS कैटेगरी में 575 पे, देन आफ्टर दैट द बीसी कैटेगरी 565, देन आफ्टर दैट द एससी कैटेगरी 435, देन फिजिकल हैंडीकैप में काफी चेंजेस है 155 स्कोर पे सीट मिली. देन आफ्टर दैट द बॉर्डर एरिया में 602 के ऊपर सीट है. आफ्टर दैट द रूरल एरिया में 516 नंबर पे गई है और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के कोटा है जहाँ पे वहां पे सीट 351 पे गई है. नेक्स्ट इज द टेररिस्ट फैक्टर में 545 स्कोर पे लास्ट सीट डिफेंस आर्मी की डिफेंस में जो सीट गई है, डिफेंस कोटा में जो सीट गई है 304 नंबर पे, काफी मार्जिन आया. यहाँ पे फरीदकोट में देखो 591 और यहाँ पे अमृतसर में 304 पे सीट डन फिनिश. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स अ न्यूली कॉलेज, ठीक है. सो मोहाली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मोहाली 6 फेज हॉस्पिटल के साथ ही कॉलेज है. ये भी प्रेफरेंस है बच्चों के, चंडीगढ़ वाले बच्चों ने, काफी बच्चों ने अप्लाई किया था इसमें बिकॉज जो बच्चे वहाँ पे चंडीगढ़ में भी रहते हैं, मोहाली में भी रहते हैं, इस एरिया के, सो वो प्रेफर कर रहे थे इसके लिए. इसमें भी वही है सेम, अमृतसर और मोहाली में दोनों में ही जो वो एज ए फाइट चल रही थी, 690 स्कोर वाला पहला बच्चा यहाँ पे और 690 वाला ही स्कोर बच्चों की जो वो मोहाली में. फाइन, सन आफ्टर दैट जो लास्ट सीट सिर्फ एक नंबर का मार्जिन फ्रॉम द अमृतसर, 610 पे अमृतसर फिनिश हुआ और मोहाली गया 609 पे. फाइन, नेक्स्ट इज द ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं है यहाँ पे. बीसी कैटेगरी में 570 स्कोर पे बीसी कैटेगरी वाले को सीट मिल गई है, लास्ट सीट 570 के ऊपर डन.
After that the 431 is of the SC category. SC category की बात करो तो 431 नंबर पे गई. अगर आप मार्जिन देख रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे 6th जनरल कैटेगरी में 643, then 618, then 610, then 609. If you talk about the BC category, 598, 560, 565 और 570 नंबर पे लास्ट सीट. वही नेक्स्ट इज द एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो 486, 425, 435 एंड 431. 431 जो जिस बच्चे के मार्क्स है उसको एडमिशन मिल चुकी है. बीइंग ही और शी हैविंग द एससी कैटेगरी सर्टिफिकेट, सो 431 पे सीट खत्म हो गई थी. लास्ट इज अ हैंडीकैप के अगर पीएच की बात करोगे तो यहाँ पे 140 वाला बच्चा था जिसको सीट मिल चुकी है. बॉर्डरेरी की सीट नहीं है, आरए की नहीं है. फ्रीडम फाइटर की बात करो तो 253 पे सीट मिल चुकी लास्ट. जिस बच्चे के 253 है उसके पास फ्रीडम फाइटर का कोटा है एंड ही गॉट द सीट. नेक्स्ट इज अ टेररिस्ट फैक्टर, जो स्टूडेंट है 550 स्कोर के ऊपर. और डिफेंस की बात करो तो 140 के ऊपर सीट मिल चुकी है. सो दिस वॉज द सिनेरियो ऑफ द कंप्लीट पंजाब काउंसलिंग. सो ये कुछ थोड़ा टाइम लगता है काउंसलिंग के लिए जो बच्चों को देखना होता है. अब ये वाला ऑलमोस्ट काफ़ी स्टूडेंट के पास इन्फॉर्मेशन डेटा तो है ही है, बट ये आपको कम्प्लीटली पैक मिल गया है जिसमें आपको थोड़ा सा मिल जाएगा और काफ़ी स्टूडेंट को जब ऑब्जर्वेशन आ जाएगी या फिर ये नीट 2024 जिन्होंने देना है उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है. आने वाले टाइम पे ये वीडियो आई थिंक सो कि इट विल बी मच बेटर और सबके लिए थोड़ी सी कम्फर्टेबल और रिलैक्सेबल वीडियो मिलेगी सबको. सो वट एवर दे वॉन्ट, बिकॉज नीट का एग्जाम देने के आने के बाद ना सब बच्चों के सब पेरेंट्स के दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि हम पेपर दे के आ गए हैं, लास्ट कट ऑफ क्या रहेगी. तो अब इस साल के बजाय जो नेक्स्ट जो 2024 में जो नीट का एग्जाम होएगा तो उसमें भी ये जो वो वीडियोस काफी बच्चों को लिए और काफी पेरेंट्स के लिए रिलैक्सेबल रहेगी, उनको कंफर्टेबल होएगा कि कैसे उनको सीट मिल सकती है कि नहीं मिल सकता. बिकॉज नीट का रिजल्ट आने के बाद जाके जितनी भी क्रॉसिटी जो वो बननी शुरू हो जाती है स्टूडेंट्स में, पेरेंट में फोन आने शुरू हो जाते हैं. तो ये इस साल का नीट 2023 का सिनेरियो था फर्स्ट राउंड का. फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग बहुत मेजर इंपॉर्टेंट कॉज करती है सब बच्चे की सक्सेस के लिए और आने वालों के लिए भी, सो दैट उनको सिनेरियो क्लियर हो जाता है. अगर अब सब बच्चों के लिए जो मेजर चीज जो सबके दिमाग में चल रही होगी कि सर हमें अब फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं भाई, अगर 643 जनरल कैटेगरी वाला बच्चा है तो यहाँ पे गई है 609. गवर्नमेंट में ही बच्चा करना चाहता है. ये वो वाले बच्चे हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर जो है जो वो टोटल जो वो 1.65 लाख रुपीस के अप्रॉक्सीमेटली जो फी स्ट्रक्चर है इस बार का. फाइन, सो उस इस फी स्ट्रक्चर की बात करोगे आप तो ये वही गवर्नमेंट कोटा की जो वो फी स्ट्रक्चर वाले मैंने वही सीट्स बताई है आपको जिनको गवर्नमेंट से कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट फीस ही पे करनी है. ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट फीस ही पे करनी है. नाउ इट्स टाइम कि जब मैं आपको काफ़ी बच्चे जो वो अब वेट कर रहे होंगे कि सर हमारा क्या बनेगा. सबसे बच्चे जो मेरी वीडियो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा क्रॉसिटी के साथ देख रहा है कि क्या सर के सर उसके बाद बताएंगे कि मेरा क्या बन रहा है, मेरे 608 नंबर है सर मेरा क्या बनेगा. क्योंकि सबके दिमाग में जो वो क्वेश्चन जो वो यही बन रहा होगा कि 608 है मेरा क्या बनेगा, मेरे को सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी. ये 570 लास्ट यहाँ पे 560 गया है तो बीसी कैटेगरी वाला डेफिनेटली जो वो 550 वाला भी बैठा होगा कि सर बताइए प्लीज सर टेंशन हो रही है. काफी फोन्स भी आ रहे हैं कि सर 550 स्कोर है मेरा कोई एडमिशन मिल सकता है कि या नहीं. एससी कैटेगरी वाला बच्चा डेफिनेटली जो 400 के पर बैठा हुआ है, 400 स्कोर के ऊपर जो बैठा हुआ है बीइंग द एससी कैटेगरी, सो वो भी वेट कर रहा होगा कि सर बताइए मुझे एडमिशन मिल सकती है कि नहीं मिल सकती. नेक्स्ट इज द फिजिकल हैंडीकैप के लिए बच्चा, चलो ऑलमोस्ट इसमें तो बच्चे ही कम होते हैं तो सीट्स तो चलो होती है, वो जो बाकी सीट्स होती है वो जनरल में शिफ्ट हो जाएंगी. सो बॉर्डर ये क्या बच्चा भी नेक्स्ट वेट कर रहा होगा कि सर मेरे 600 है जहाँ पर ये क्या है मेरा क्या बनेगा. क्वेश्चन दिमाग में सबके यही आ रहा है जी कि मेरी सीट मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे को कोई ऑप्शन है, सबके लिए दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं. सो ओवरऑल ये जस्ट ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो ऑल प्राइम जो
वीडियो जो लिस्ट मैंने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की देखी है और साथ में जो आइडिया कोटा की जो लिस्ट देखी है और मुझे बहुत वेरिएशंस जो है वो देखने के लिए मिली है. सो आई जस्ट वांट टू मेक यू रिलैक्स एवरीबॉडी सो दैट कि मतलब इस बार का इतना चेंजेस है कि काफ़ी बच्चों ने जो बच्चों ने सीट यहाँ पर ली हुई है ये बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा में भी जब वो अप्लाई किया हुआ था और जो ऊपर वाले स्लॉट है इफ यू टॉक अबाउट द 657,000 रैंक के ऊपर और 650 जो वो 650 प्लस स्कोर वालों के लिए काफी बच्चे हैं. अगर आप ऑल इंडिया कोटा की जो लिस्ट देखोगे तो उसमें काफी बच्चे आपको मिलेंगे. इवन कि आई जस्ट हैव द एनालिसिस, मैं इस वीडियो में तो नहीं बना सकता बट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा क्योंकि उसमें कौन कौन से बच्चे हैं. मैं रैंक बताऊंगा, स्कोर बताऊंगा और मैं बता दूंगा उसमें ये भी बताऊंगा कि साथ में कि जो कौन सा बच्चा जो इसमें सीट वकेट करेगा ही करेगा. फाइन ऑब्वियसली बिकॉज जिसके पास एम्स ऋषिकेश मिल चुका है उसको एम्स ऋषिकेश मिल चुका है और वो सीट जो है वो उसमें इस कैटेगरी की अगर बात करोगे आप उसको एम्स ऋषिकेश मिल चुका है और किसी को एम्स जोधपुर मिल चुका है. ऑलरेडी कई बच्चे एम्स बठिंडा में काफ़ी बच्चे हैं जो पंजाब के काफ़ी स्टूडेंट्स की जो लिस्ट एम्स बठिंडा में नज़र आई है जिनको एम्स बठिंडा की सीट जो मिल चुकी है. सो डेफिनेटली दे माइट दे शुड ऑफ द एम्स इफ दे आर गेटिंग द सीट इन द एम्स. सो एज कम्पेयर टू ऑफ द अगर जिंद्रा की बात भी करें तो उनको ऑप्ट तो करनी चाहिए, उनको एम्स वाली ही ऑप्ट करनी चाहिए. एम्स तो कोई भी है, सेंटर का कॉलेज है, सो फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी है, स्टेटस है और नाम तो फर्क तो पड़ता ही है. सब बच्चों के लिए होता है, एम्स एक टैग है, एम्स एक सिंबल है, ठीक है, जिसमें बच्चा हर कोई बच्चे का ड्रीम है कि मैं एम्स में MBBS करूँ. सो आई थिंक सुजेशन मेरी बच्चों को भी सुजेशन है जिनको एम्स में मिल रही है तो वो एम्स ऑप्ट करनी चाहिए उनको इंस्टेड ऑफ बिकॉज ना लाइक चंडीगढ़ में मेरे को नजर आया चंडीगढ़ में कुछ बच्चों को एम्स मिली हुई थी और एम्स अच्छे कॉलेजेस में भी सीट मिली हुई है. इवन दैट दे हैव टू ऑप्ट कर द GMCH 32. सो मतलब कुछ बच्चों के लिए जो वो डिसीजन बड़े वाइज डिसीजन लिए थे, कुछ बच्चों ने काफी डिसीजन वाइज लिए है कि जैसे पहला ही बच्चा था चंडीगढ़ की अगर बात करूं तो उसमें फर्स्ट स्टूडेंट ही था, उसने ऑल इंडिया कोटा के स्कोर भी अच्छा था और ऑल इंडिया कोटा. इवन कि यहाँ पे भी मैंने देखा कुछ बच्चे यहाँ पे हैं जिन्होंने जो 32 ही लिया है. 32 हॉस्पिटल कुछ बच्चों के पास जब वो दोनों कोटाज होते हैं, पंजाब वाला कोटा भी होता है, 32 वाला भी चंडीगढ़ का पोल, चंडीगढ़ के पोल में भी आते हैं वो. तो उसमें बेसिकली क्या है कि जो बच्चा यहाँ पे ऑप्ट कर रहा है अगर वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर उसको मिल सकती है तो इससे बढ़िया वाइस डिसीजन क्या हो सकता है. फाइन सो मतलब उन्होंने भी देखा कि ऑल इंडिया हमने सीट खराब क्यों करनी है, तो ये सीट खराब हो जाती है ऑब्वियसली अगर आपको सीट यहाँ पे मिल रही है. सो लाइक इफ यू टॉक अबाउट, एक छोटी सी बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये चार नंबर है, फाइन ऑल इंडिया रैंक चार रैंक है, ठीक है, एंड शी ऑल्सो गॉट द एडमिशन इन द एम्स दिल्ली. ऑल इंडिया कोटा में एम्स दिल्ली में सीट मिल चुकी है. सो आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी द ऑप्ट ऑल्सो कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की फिल करो. सो सीट एम्स दिल्ली में आपको मिल चुकी हुई है, ऑलरेडी आपका नाम है वहाँ पे. सो आई थिंक सो कि उनको वहीं ऑप्ट करना चाहिए और वो जाएंगे भी वहीं पे वैसे तो. और ये जो जितने भी बच्चे जितने हैं और काफ़ी बच्चों ने वहाँ पे सीट ले चुके हैं, मैं आपको हौसला नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं आपको वाकई में एज ए अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली 100% श्योर तो मैं नहीं बोल सकता, जो भी ये कुछ मैं बोल रहा हूँ इट्स नॉट द 100%, इट्स 99.9% जो भी मेरे अकॉर्डिंगली रिव्यूज़ के अकॉर्डिंगली और जो भी मैंने रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंगली जो भी डेटा मेरे पास है तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. आई एम नॉट कोई ऐसा मेरे का कोई कंसल्ट नहीं है मेरे किसी के साथ, कोई यूनिवर्सिटी के साथ नहीं है, बट जस्ट जो भी है ये सारा मेरा एनालिसिस था, रिसर्च का एनालिसिस था. सो जो आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस किया. सो स्टिल अगर मतलब द डिसीजन यही है कि जो बच्चों की वेट है काफ़ी पंजाब के जो बच्चों में अगर बात करें चंडीगढ़ के बच्चों में बहुत कम मार्जिन के ऊपर अगर 599 पे चंडीगढ़ में गई लास्ट, तो उसमें थोड़ा 10 आप ये लगा लो कि 10 या 15 या 20 जो वो कम जाएंगे नीचे मार्क्स, 10-15 जाएंगे, बट इसमें जो वो आपको 20 से 25 मार्क्स का जो वो मार्जिन हमें मिल सकता है सेकंड काउंसलिंग में, बिकॉज कितने सारे स्टूडेंट्स ने जो वो सीट्स वहाँ पे ऑलरेडी उनको मिली हुई है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भी मिली चुकी है, एम्स में मिल चुकी है, ठीक है, GMCH 32 स्टूडेंट में भी मिल चुकी है. एक मतलब जो सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को लगी कि कुछ स्टूडेंट ने ऑलरेडी 32 स्टूडेंट अगर 32 हॉस्पिटल में लेनी थी
तो वो अब उन्होंने ना वो 32 हॉस्पिटल उनके पास अगर कोटा भी था ना, उन्होंने जब वो 32 की जो वो सीट वहां से ली, चंडीगढ़ से ली, ना पंजाब से ली, उन्होंने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू की। अच्छा स्कोर था, उनको सीट भी मिल गई ऑल इंडिया कोटा में, और पंजाब की सीट भी बच गई और चंडीगढ़ पूल की सीट भी बच गई, सो नेक्स्ट स्टूडेंट को मौका मिल गया। तो दैट इज अ गुड आइडिया, मतलब गुड मेरी तो यही सबसे सजेशन है। सो ओवरऑल यही कंक्लूजन था मेरा कि ये एनालिसिस, क्योंकि काफी पेरेंट्स के मुझे कॉल आ रहे थे कि सर आप पंजाब की वीडियो का हम वेट कर रहे हैं, सो दिस इज फॉर यू, द वीडियो इज डन। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मेरे पास सारा डेटा है कि जो कौन से बच्चों के लिए, कौन से बच्चे का कहाँ पे एडमिशन हुआ हुआ, और वो सीट जब वो वेट करेगा या नहीं करेगा तो उसमें हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। फाइन, सो ऑल द बेस्ट, मैं आपको होप यही दे रहा हूँ कि ऑल द बेस्ट सेकंड काउंसलिंग के लिए। ऑल इंडिया कोटा की जो सेकंड लिस्ट आने के बाद जो सेकंड चॉइस, सेकंड राउंड की चॉइस स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे बाबू फरीद यूनिवर्सिटी की। सो ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। सो वट एवर जो मैं आपके लिए कर सकता था, सो आई विल डू माई बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच। फाइन, सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।